हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में समझ लिया था, और वहां पर हमारा इपोक्साइड का सेक्शन बचा हुआ था। नाउ अब हम यहां पर समझते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड। तो इपोक्साइड आपका किस तरीके से आपके केमिकल रिएक्शन को शो करेगा बच्चों, तो यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर इपोक्साइड आपके किस तरीके से आपके केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, तो फर्स्ट आपका होगा बच्चों एसिड कैटलाइज्ड पाथवे। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होगा, एसिड कैटलाइज्ड पाथवे। और सेकंड आपका कौन सा बच्चों, बेस कैटलाइज्ड पाथवे। ठीक है, बेस कैटलाइज्ड पाथवे को भी शो करेगा। अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम सिमेट्रिकल एपॉक्साइड नहीं ले सकते। ठीक है, बाय सिमेट्रिकल एपॉक्साइड we cannot predict the difference between the acid catalyzed pathway and base catalyzed pathway, so we have to take what, symmetrical epoxide. So humko yahan par symmetrical epoxide ko lena padega. To symmetrical epoxide hum kis tarike se lenge bachcho, dekho yahan par main example leta hu ek ek karke, aap log samajhna bachcho. I hope so ki aapko samajh mein aa jayega. Dekho sabse pehle acid catalyzed ke liye ye maine unsymmetrical epoxide liya hai. Theek hai, unsymmetrical epoxide liya hai. यहां पर भी मैंने इसके लिए क्या लिया बच्चों, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड लिया है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड लिया है। अब यहीं से हमको रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके बारे में पता पड़ेगा। तो यहां पर एसिड कैटलाइज पाथवे, तो यहां पर मैं इसका प्रोडक्ट लिखूंगा बच्चों। ठीक है, ये मैंने एच प्लस कर दिया है और यहां पर मैंने सी एच थ्री ओ एच लिया है, तो इसका मतलब ये आपका एसिड कैटलाइज। और यहां पर मैंने लिया है देखो सी एच थ्री ओ माइनस और यहां पर सी एच थ्री ओ एच। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो, ये आपका बेस कैटलाइज, ये आपका एसिड कैटलाइज। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले अगर मैं एसिड कैटलाइज की बात करूंगा, तो यहाँ पर H प्लस है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, H प्लस आपका यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, सी एच थ्री सी एच सी एच टू, यहाँ पर ओ एच प्लस और यहाँ पर ये। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये पूरा मॉलिक्यूल आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, CH3OH। अब देखो CH3OH अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कहां करेगा, ध्यान से समझना। अब यहां पर एसिड कैटलाइज पाथवे में न्यूक्लियोफाइल आपका यहां अटैक करेगा। ठीक है, एसिड कैटलाइज पाथवे में न्यूक्लियोफाइल आपका यहां अटैक करेगा, मतलब हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। अगर हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे अटैक कर रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, SN1 पाथवे को फॉलो करेगा। कौन से पाथवे को फॉलो करेगा, SN1 पाथवे टाइप रिएक्शन होगी। अब देखो SN1 पाथवे टाइप रिएक्शन होगी, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका CH3CHOH, यहां पर CH3, ये आपका प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हो। अब देखो यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका जो होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से बना, और नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से H प्लस का रिमूवल होगा, और H प्लस का रिमूवल होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CH3CHOCH3 और यहाँ पर CH2OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। तो ये वाली रिएक्शन आपके कौन से पाथवे से फॉलो होती है बच्चों, SN1 पाथवे से। ठीक है, बोल यहाँ हम बोल सकते हैं ये वाली रिएक्शन आपके SN1 पाथवे से फॉलो होती है। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बना है, इसका क्या बना है बच्चों, देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बना है आपका क्या बना है, CH3CHOCH3 CH2OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर बेस वाला है, बेस कैटलाइज, तो बेस कैटलाइज पाथवे में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले बेस भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH3O-, ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपका CH3O- कहाँ अटैक करेगा बच्चों, CH3O- आपका इस पोजिशन पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका ओपन होगा, ध्यान से सुनना। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस पोजीशन पर अटैक किया, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ॉन लेस हिंडर्ड पोजीशन,
हिंडर्ड पोजीशन मतलब कौन से लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक किया, इसका मतलब ये रिएक्शन आपका क्या होगा, एसएन टू टाइप रिएक्शन, ये आपका एसएन टू टाइप रिएक्शन होगा। तो आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 OCH3। नाउ यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, O माइनस। अब इस सॉल्वेंट से H प्लस आपका किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। नाउ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH, यहाँ पर CH2 OCH3। अब यहाँ पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। अब इस फाइनल प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर बनाता हूँ और आप लोग इसमें डिफरेंस बताना बच्चों। देखो यहाँ पर अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर आई होप कि अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर OCH3 बीच वाले कार्बन पे और यहाँ पर OCH3 इस कार्बन पे। अब ये SN2 टाइप कब होता है, जब आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कब होगा बच्चों, ध्यान से समझना, जब उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। मतलब कब, जब OR माइनस होगा तब ये होगा, जब आपका SR माइनस होगा तब ये इस तरीके से होगा, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर SH माइनस होगा इस तरीके से होगा, यहाँ पर CN माइनस भी होगा तो भी आपका हो जाएगा। तो अगर ये सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका बेस कैटलाइज पाथवे को फॉलो करेगा, मतलब इसी तरीके से आपके रिएक्शन को शो करेगा ये न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडिया में अगर जो भी रिएक्शन होगा, जैसे HCl HBr या फिर HCl के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगा, तो आपका इसी कैटलाइज पाथवे को, एसिड कैटलाइज पाथवे को फॉलो करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल, इसके क्वेश्चन पोर्शन की ओर बच्चों। तो एक एक करके इसके क्वेश्चन दे देखते कुछ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को कराना है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पर आपका सिमेट्रिकल इपोक्साइड की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं बात करूंगा बच्चों केवल और केवल अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड के क्वेश्चन की, क्योंकि वहीं से आपका क्वेश्चन घूमेगा बच्चों, ठीक है, वहीं से आपका क्वेश्चन घूमता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके बच्चों हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बच्चों, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन, ये मैंने इस तरीके से बना दिया, देखो ठीक है, ये मैंने लिया ये इस तरीके से O, ये इस तरीके से O और यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों, HBr के साथ। देखो HBr के साथ आपको रिएक्शन कराना है इसका, तो HBr के साथ आप यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन को कराओगे बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन समझते हैं एक एक करके, ठीक है, सॉल्यूशन को ध्यान से समझेंगे। देखो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ बच्चों, ये आपका O, ये आपका ये, यह आपका CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर लोन पेयर है। अब ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, अब H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझो, जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका प्लस, ये आपका H, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, अब आपका Br माइनस, अब देखो Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, Br माइनस आपका अटैक करेगा लेस हिंडर्ड, यहाँ पर Br माइनस आपका कहाँ अटैक करेगा, जहां पर हाईली हिंडर्ड पोजीशन होगा, क्योंकि पहले ही आपका एसिड कैटलाइज पाथवे हो चुका है। तो ये आपका कहाँ अटैक करेगा, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ अटैक करेगा तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बच्चों, जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो ये आपको यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका Br और यहाँ पर आपका CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा इसको अगर समझेंगे तो आपको समझ में एक एक करके आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, ये आपका इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C2H5, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका H, इसकी रिएक्शन आपको C2H5O- और C2H5OH के प्रेजेंस में कराना है। तो कहाँ होगा आपका रिएक्शन, कैसे होगा देखना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको एनालिसिस करो कि हमारा कौन सा पाथवे है, हमारा ये बच्चों यहाँ पर बेस कैटलाइज पाथवे, बेस कैटलाइज्ड पाथवे है बच्चों। जब ये हमारा बेस कैटलाइज पाथवे होगा तो रिएक्शन किस तरीके से होगी,
तो देखते हैं एक एक करके सॉल्यूशन। काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो बेस कैटेलाइज में आपका लेस हिंडर्ड पोजिशन मतलब यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ अटैक करेगा लेस हिंडर्ड पोजिशन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5, ये आपका C2H5, यहाँ पर आपका इस तरीके से ये वाला बॉन्ड आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड अगर आपका खुल गया तो यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा OC2H5। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इसका आपका पोलर मीडिया का आपका क्या आएगा H+ आएगा, जो आपका यहाँ पर क्या कर देगा बच्चों C2H5, C2H5 यहाँ पर आपका आ जाएगा OH, यहाँ पर आपका आ जाएगा OC2H5। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एसिड कैटलाइज पाथवे और बेस कैटलाइज पाथवे के लिए रिएक्शन को प्रोसीड करना है, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3। अब यहाँ पर अब हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C- और साथ में आपका H2O दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये आपका कौन सा पाथवे, सबसे पहले एनालिसिस करना है आपको कौन सा पाथवे। तो ये आपका बेस कैटेलाइज पाथवे, कौन सा पाथवे बच्चों, ये आपका बेस कैटेलाइज पाथवे। तो यहाँ पर समझते हैं, ये आपका हो गया बेस कैटेलाइज पाथवे, बेस कैटेलाइज्ड पाथवे, ठीक है। ये आपका बेस कैटेलाइज पाथवे। अब जब ये आपका बेस कैटेलाइज पाथवे, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, बेस कैटेलाइज आपका बेस कहाँ अटैक करेगा बच्चों, बेस आपका लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, बेस कैटेलाइज पाथवे में यहाँ अटैक करेगा लेस हिंडर्ड पोजीशन पे। तो ये आपका लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O-, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ अगर यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा OH। ये आपका बेस कैटलाइज पाथवे के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों अब हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, ध्यान से देखेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों यहाँ पर CH3 CH3 O, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर H+ और यहाँ पर CH3 OH दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों हम लोग समझते हैं। देखो ये आपका अब सबसे पहले कौन सा पाथवे है बच्चों, ये आपका एसिड कैटेलाइज पाथवे, एसिड कैटेलाइज्ड पाथवे। अब यहाँ पर आपका एसिड कैटेलाइज्ड पाथवे है बच्चों, तो ध्यान से समझेंगे, अगर ये आपका एसिड कैटेलाइज्ड पाथवे होगा तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन, ये आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH3, ये आपका इस तरीके से O+H, यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, CH3, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा CH3 OH। ये न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, हाईली हाईली हिंडर्ड पोजीशन पे। तो अब ये यहाँ पर यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर CH3 O CH3 प्लस H, यहाँ पर आपका OH। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, तो H+ अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पर CH3 CCH3, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव आपका कुछ इस तरीके से बच्चों। तो ये आपका O, ये आपका O, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है बच्चों, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है CN- और H2O। जैसा कि मैंने आपको CN- आपको एग्जाम्पल में ही लिखवाया था कि CN- के थ्रू आपका कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, यहाँ पर आपका होगा सबसे पहले एनालिसिस करना होता है बच्चों आपको, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस कैटलाइज्ड पाथवे। ये आपका कौन सा पाथवे होगा, बेस कैटलाइज्ड पाथवे होगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ
कि यहाँ पर जो सी एन माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पोजिशन पे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों अब हम ध्यान से। तो अगर ये आपका लेस हिंडर्ड पोजिशन पे अटैक करेगा यहाँ पर सी एन माइनस, तो सी एन ने यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर ओ माइनस। नेक्स्ट स्टेप में एच टू ओ की, एच टू आपका पोलर प्रोटिक है, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ ये आपका ओ एच, ये आपका सी एच थ्री और यहाँ पर आपका सी एन। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इपोक्साइड के सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। कोई भी इतना टिपिकल नहीं है, अगर आप इन 5 क्वेश्चन को एक दो बार और करोगे तो आपको इपोक्साइड के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में हमने भी क्या किया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर माइनस का सोर्स था, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल अच्छा था तो एसएन टू टाइप ही तो मैंने कराया था। तो देखो ना बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वही ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मैच कर जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, आपका यहाँ पर ईथर और अल्कोहल की पूरी प्रॉपर्टीज और यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल और एनिसोल के प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टी को समझेंगे। आई होप कि आपका, आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच।